हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में क्लास 11 कक्षा 11 का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4। प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सम्मिलन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यूनियन, इकट्ठा कर देना, मिला देना। बहुत ही आसान है। देखिए, पहले पार्ट को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व पार्ट नंबर फर्स्ट, यक्स में क्या है? यक्स में आपका 1, 2, 3 है, 1, 3, 5 है एक्स में। वाई में क्या है आपका? वाई में 1, 2, 3 है। किसी भी सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। यूनियन को हम यू से इंडिकेट करते हैं। किससे? यू से। तो आपको एक्स और वाई का सम्मिलन बताना है, तो एक्स और वाई के बीच में ऐसे यूनियन साइन करके दिखा दें। यही सम्मिलन हो गया एक्स यूनियन वाई। यक्स के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, 1, 3, 5। यूनियन है, यूनियन का साइन बना दीजिए। वाई है, वाई के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, 1, 2, 3। ठीक है ना? अब इनको आपस में मिला दीजिए। एक चीज याद रहे, मिलाते समय कोई भी चीज दो बार नहीं लिखी जाती है, भले वो दो बार मिले, तीन बार मिले, छह बार मिले, बट लिखना एक ही बार रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मिलाना। 1, 3, 5। 1 तो लिख चुके, 2 नहीं है लिख लेंगे, 3 लिख चुके हैं, राइट। अब इनको आप मिला दो, सही से लिख दो सीरियल वाइज, तो क्या हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5। इस लाइन को बिना लिखे भी आप सीरियल से लिख सकते थे क्या, 1 फिर 2 फिर 3 दो बार है, एक बार फिर 5। या ऐसे पहले वाले को चुपचाप लिख लो, दूसरा वाला लिखो, वह लिखो जो दूसरे का जो चीज पहले में नहीं मिल रहा है। जैसे 1 मिल रहा था नहीं लिखे, 2 नहीं मिल रहा था लिख लिए, 3 मिल रहा था नहीं लिखे, इनको सीरियल वाइज लिख दो जो पहले आता है। ऐसे आप सब कर लेंगे, इनको मिला लेंगे, आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ है 3 का गुणज, तो 3, 6, 9। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या? इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड के लिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा दोनों अगर आप मिला लेंगे तो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 का इसमें 3 का गुणज रहेगा, इसमें प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है इसमें, इस चीज को समझे। 6 का गुणज, 3 का गुणज, ये जो 3 का गुणज दिया इसका कोई सीमा नहीं है, तो 6, 9, 12, 15 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जब दोनों को मिलाएंगे 6 के बाद ये 5 तक ही है, 6 फिर 9 आएगा, 12 आएगा, 15 ऐसे डैश डैश करके लिख दे, ठीक। इसको देखिए तीसरे वाले पार्ट, 1, 2, 3 में 5 मिलाएंगे, ये पांचवा वाला पार्ट। तो आप ए का लिख लेंगे 1, 2, 3। अब बी वाला, ए यूनियन बी जब करेंगे तो बी का क्या लिख लेंगे, 5। अब आप जब दोनों को मिलाओगे 1, 2, 3 में 5 को, तो 5 मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट 1, 2, 3 ही आएगा। ये हर जगह कॉमन होता है, 5 हर जगह पाया जाता है, घनिष्ठ होता है 5, समझिए इसमें आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से है। पार्ट नंबर ए में कौन, जो आपका ए है इसमें 2 एलिमेंट है समुच्चय ए में, ए और बी। बी में ए बी सी है, क्या ए बी का प्रॉपर सेट है, सबसेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सबसेट, उपसमुच्चय, क्या ए बी का उपसमुच्चय है, ए प्रॉपर से सबसेट बी, और ए यूनियन बी ज्ञात करिए। तो ए यूनियन बी तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे, पहले आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे ए का वैल्यू दिया है ए कमा बी, और बी का वैल्यू दिया है ए बी और सी, है ना। जब ए का किसी समुच्चय का अवयव किसी दूसरे समुच्चय में पाया जाता है तो वह उसका उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है, सबसे। जैसे चूंकि ए लिख देंगे ऐसे, चूंकि ए और बी, ए व बी दोनों में है, ए और बी दोनों में है, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ए का अवयव ए बी, बी में भी है या बी में है, बी में है,
ए का देखिए, ए का ए भी बी में पाया जा रहा है, बस इसका या उसमें मिलना चाहिए तो वह उसका प्रॉपर सेट कहलाता है। इसलिए ए प्रॉपर सेट बी, और कुछ नहीं करना था, प्रूफ हमने कर दिया, बस आपको समझना था जब इसका आया इसमें पाया जाएगा तो यह इसका प्रॉपर सेट, ये सबसेट कहलाए। दूसरा चीज इसमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, वो भी आप निकाल लो। ए यूनियन बी के लिए पहले ए का वैल्यू लिख लो, ए बी है, यूनियन का साइन बनाओ, बी का वैल्यू लिख दो, ए बी सी है, दोनों मिला दो। ए बी में ए बी सी मिला दोगे आप तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी लिख चुके हैं, बस सी, ए बी सी आपका आंसर, बस ऐसे ही करना। सेस नेट वीडियो में पढ़ते, तब तक के लिए थैंक यू मेरे प्यारे।